छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान का एक यह महज नौटंकी है, पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, उसके तहत चुनाव हो रहे हैं और धरमलाल कौशिक खुद बता दें उन्हें किस प्रक्रिया के तहत हटाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पार्टी के अध्यक्ष हटाए गए हैं, किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसलिए पहले अपनी ही पार्टी को देख लें। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और उसके तहत चुनाव हो रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी खुद बता दे वो किस प्रक्रिया के तहत हटाए गए, क्या विधायक दल के बैठक में उसको हटाने का प्रस्ताव हुआ था, या नया नेता जो चुने गए वो विधायक दल के द्वारा चुना गया, या उनके पार्टी के अध्यक्ष जो हटाए गए वो क्या वो आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से हुआ? अध्यक्ष हटा दिए, नेता प्रतिपक्ष हटा दिए, कोई किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किए गए, तो लोकतंत्र की दुहाई क्यों दे रहे हैं? वो पहले अपने पार्टी में देख ले, उसको खुद हटाया गया, उसको बनाया गया, तब क्या उनको विधायकों को विश्वास मत था, प्राप्त था, और जब हटाया गया तब क्या किसी प्रक्रिया का पालन किया गया?